तो भाई लोगों फाइनली रिलीज हो चुका है अधिप्रोश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जय श्री राम का नाम लेके। और मैं कह सकते हो बहुत ज्यादा भाई एक्साइटेड हूँ इस टीजर के लिए, देखना चाहता हूँ कि ये कैसी होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। गुलशन कुमार, ओ वाओ, ओहो, धस ओ भाई, जाए धरती या चटक जाए आकाश, इनक्रेडिबल। न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का थोड़ा सर्वनाश। VFX कमजोर है। ओ जलवा भाई, सैफ अली खान। ओ कमाल है। आ रहा हूं मैं, ओ क्या आ रहा हूं न्याय के दो सीन पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। इन 2023 सीता जी प्रीति सेना नरूट लेकर आए भाई। भाई कमाल है। ओ भाई हनुमान जी, भाई कमाल है गुरु। ओ एड्रेस 12 जनवरी भाई देखने जानी है ये तो। ओ यार मतलब रोंगटे से खड़े हो गए, बोला आप सबने देखा कल क्या मूवमेंट थे। हाँ थोड़ा VFX कमजोर लग रहा है क्योंकि इसमें अभी थोड़ा मुझे लगता है काम होना बाकी है, पर शायद बॉलीवुड ऐसा नहीं करेगा क्योंकि बजट थोड़ा कम रहता है और छोटी मोटी चीजें हैं VFX में, देखा बस सेलिंग है। और जिस लेवल की हम चाहते थे कि रैमैन हमें दिखनी चाहिए ठीक है आदिपुरुष के नाम से, उस लेवल का हमें अब बॉलीवुड दिखा रहा है। और फाइनली एक और मूवी आ रही जो कि करीब 700 करोड़ की होगी, जिसमें कि ऋतिक रोशन भी होने वाले हैं, तो उस मूवी का भी जरूर इंतजार रहेगा जो कि शायद अराउंड साल 2026 में रिलीज होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी आपको ये टीजर कैसा लगा और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।